अब की बार बंगाल में सरकार, शाह की ललकार से हो जाएगा। सुधांशु जी, क्या रोड मैप है? अनिरा जी, अगर आप रोड मैप देखें, वो तो पिछले कई सालों से लगातार नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी संगठन के विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहले होती उपहास, अरे कोई हैसियत ही नहीं है, ये क्या कर लेंगे। उसके बाद होता है विरोध, और उसके बाद आती है स्वीकार्यता। तो कुछ साल पहले जब हमारी केंद्र में सरकार आई थी, तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिज्ञ बड़े बड़े, और ममता बनर्जी जी ये मानती थी भाजपा की तो कोई हैसियत ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत कार्यक्रम कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे। तो पहले उपहास चला, उन्होंने लगा कि नहीं, संगठन तो बहुत मजबूती से काम चल रहा है। और उसके बाद पिछले लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती। अब हम विरोध की स्थिति में है, अब पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आश्वस्त रहिए, यह क्रमशः बढ़ता हुआ रोड मैप यह दर्शा रहा है कि इसके बाद हम स्वीकार्यता की स्थिति में आने वाले हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी। और एक और भी मैं कारण कहना चाहूंगा, जिन लोगों को, जिन्होंने बंगाल को क्षेत्रीय भावना में बांधने का प्रयास किया है, बंगाल वह भूमि है जहां से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों निकले। राष्ट्रवाद के स्वरों की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति देने वाला प्रांत, यह कैसे हो सकता है कि जब राष्ट्रवाद का परचम भारत में और भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, बंगाल उसमें साथ में न खड़ा हो। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यही हमारी श्रद्धांजलि भी होगी, और यही बंगाल की जनता उनकी उस मनोभाव की पूर्ति करेगी जिसे स्वप्न में रखकर श्यामा प्रसाद जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। गुप्ता जी, अगर अमित शाह जी और सुधांशु जी की माने तो ऐसा लग रहा है कि अगली सरकार इनकी बन रही है, दो तिहाई बहुमत से बन रही है। सिंहासन डोलने का खतरा दिख रहा है जी? नमस्कार, ऐसा है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, हाँ, मैं याद ताजा कर दूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और सबसे मजेदार दिल्ली में इससे ही तरह के दावे या इससे भी ज़्यादा दावे किए गए। नतीजा क्या है आपको मालूम है? हरियाणा में किसी तरह जोर तोड़ करके सरकार बनी है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी, और सबसे मज़ेदार है दिल्ली। दिल्ली में तो पिछली बार 3 थे, इस बार 7 हुए 70 में से। तो दावे करने में कोई तकलीफ नहीं है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं ना। गुप्ता जी, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं खाली आपसे, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बंगाल में कौन आया है? बंगाल में इस देश का गृह मंत्री आया है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आए हैं? बताइए सुधांशु जी, कौन आया है? देखिए, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष है पार्टी, जहां सरकार और संगठन में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों एक ही व्यक्ति की जेब में रहते हैं। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, गुप्ता जी, कि साहब वहां कौन आया? करारा जवाब मिल गया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा, हाँ, पहुंचाया। देखिए, एक फर्क आप नहीं कर पा रहे। देखिए, दिल्ली और बंगाल में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ सीएए एनआरसी के प्लैंक पर यह पूरा चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है। ये वही आरोप है जो बीजेपी का कोर एजेंडा है तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और उसी को वो दम दे रहे हैं। इसलिए बंगाल और दिल्ली की तुलना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आप उसको समान कह सकते हैं। दोनों बातों का जवाब गुप्ता जी। एक बात मैं जोड़ दूं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, हाँ, कि आज यहाँ पे कोरोना काल पे जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, हाँ, सारे गृह मंत्रालय के निर्देशों के एहतियात लड़ी जा रही है। मतलब, तो अगर इस देश के गृह मंत्री आए हैं, हाँ, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री यहाँ आए भारत के, कोरोना में इस केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को क्या मदद मिल सकती है, कैसे हम लोग इस महामारी का मिलकर इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें, चर्चा करें, बयान करें, निरीक्षण करें। आप चाह रहे हैं गृह मंत्री पॉलिटिक्स छोड़ दे? नहीं, मैं चाहता हूं कि ये भी करे, कम से कम ये भी 11 करोड़ की जनता का हालचाल भी पूछें, खाली राजनीति ना करें। सुधांशु जी, एक जवाब उसके बाद में अखिलेश यादव आपके पास। राजनीति के तो राजनीति करेंगे। सुधांशु जी, सुधांशु जी, लेकिन आप ये जो राज्य और राज्य की अस्मिता से जोड़ रहे हैं कि क्षेत्रीय वहां पर अस्मिता खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने, मैं अभी तो बिहार में यही कहते फिर रहे थे, बिहार रेजिमेंट का जिक्र कर रहे थे, गलवान घाटी का जिक्र कर रहे थे, बिहारी हैं, बिहार की अस्मिता, बिहार का गर्व, इसी की याद दिला रहे थे। नहीं, मैंने ये कहना चाहा
यदि कोई बंगाल का व्यक्ति ये कहे कि राष्ट्रीय भावनाएं यहाँ पर रखी जा रही हैं, राष्ट्रवाद का विषय रखा जा रहा है, तो यह समस्याजनक है या ये उनको अच्छा नहीं लगे, तो मेरा मानना है वह बंगाल की अस्मिता के साथ, बंगाल की स्पिरिट के साथ वह न्याय नहीं होगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। और मैं यह भी एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल ने सिर्फ राष्ट्रवाद ही नहीं, इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट पे भी वो कार्य किए हैं। बंगाली भद्र लोग कहा जाता था। और बताइए आज स्थिति ये हो गई कि हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए और कोई FIR न दर्ज हो, तो वो भद्र लोग को आज भाजपा कार्यकर्ताओं के मर्त्य लोक में बदलने का जो यह प्रयास किया। और एक मैं बात और कह देना चाहता हूं अंजना जी, आज से 10 साल पहले मुझे अमेरिका में एक सांसद ने बोला था, नाम लेना उचित नहीं, वो भाजपा के नहीं थे पर वो बंगाल के थे, उनकी पीड़ा जानते क्या थी। उन्होंने कहा कि 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन कराया था, यानी अविभाजित बंगाल, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो लगभग डेमोग्राफिक ये थी कि एक तिहाई मुस्लिम और दो तिहाई हिंदू, लगभग लगभग। उन्होंने कहा ये 1200 साल के मुस्लिम डोमिनेंस के बाद, और 100 साल पूरे होते होते अगर आप अनडिवाइडेड बंगाल ने, तो डेमोग्राफी पलट गई, मतलब आज एक तिहाई हिंदू और दो तिहाई मुस्लिम हो गया सिर्फ 100 साल में। तो सोचिए कि सियासत ने बंगाल की अस्मिता स्वरूप और कल्चर के साथ क्या अन्याय किया है, यह सहजी अनुमान लगाया जाता है। अखिलेश जी, गुणाभाग शुरू हो गया है, कितने हिंदू कितने मुसलमान, दो तिहाई के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में। अखिलेश जी देखिए, बीजेपी की लड़ाई बंगाल में जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उससे है बीजेपी की लड़ाई, क्योंकि 3-3 सीटें बीजेपी को इन सब लोगों के मिली। ये ख्वाब कुछ भी देख लें, लड़ाई इनकी इन्हीं 3 पार्टियों से है बीजेपी। अब देखिए, जो आपने प्रश्न किया, बीजेपी के पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, वहां पे किसान बिल का जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। बीजेपी को लोग पहचान चुके हैं, अमित शाह जी सही कह रहे हैं, ये बीजेपी की 6 साल की सरकार को क्या इस देश ने नहीं पहचाना है कि जिसने इस देश की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया, जिसने रोजी रोजगार खत्म कर दिया, जिसने हमारी सीमाओं पे तनाव बरकरार रखा और हमारी हमारे भूमि पे कब्जा कर रखा है, रोजगार रोजी रोजगार खेती बाड़ी सबको तबाह कर रखा है, या बीजेपी को नहीं पहचाना है ना? बीजेपी जो हिंदू मुसलमान के अलावा किसी और मुद्दे पे बात करके चुनाव लड़के दिखा दे तो मैं जानू कि ये राजनीतिक दल है, क्योंकि सत्ता इनकी है दिल्ली में, इन्हें अपने सरकार की उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए, नहीं कर सकते बिना बंटवारे के, बिना सांप्रदायिकता के, कट्टरता के, इनकी बात ही नहीं हो सकती, ये वोट ही नहीं मांग सकते, इनका यही एक आधार है। लेकिन बंगाल के लोग, इन्होंने कहा ना भद्र है, सही, बहुत भद्र है बंगाल के लोग, अब भ्रष्टों को पहचानते हैं, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्ट हो, चाहे वो आर्थिक भ्रष्ट हो, चाहे वो सामाजिक भ्रष्ट हो, सब भ्रष्टों को बंगाल की जनता भद्र लोग पहचानते हैं। और 3 लोग आपको पहचान लेगी, 3 लोग, ठीक है, 3 सीटें थी, 3 पाया वही बहुत होगा इनके लिए, पुरानी 3 सीटें रिटेन कर लें। संगीत रागी बस आ रही हूं, संगीत जा रही हूं। हां नहीं, ये संगीत रागी जी आरएसएस छोड़ दिए क्या? राजनीतिक विश्लेषक लिखा इनके नाम के नीचे, हमने तो मनोजीत मंडल जी का भी राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। मनोजीत दा, इसके बाद फौरन आऊंगी, जल्दी से सुधांशु जी एक जवाब, भद्र लोग के लोग आपको पहचान लेंगे, मुंह पे कुछ दिल में कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल, भद्र लोग की विवेक और सूक्ष्म दृष्टि बहुत समझदारी की होती है अंजना जी, हमारे पंचतंत्र में रगे सियार की कहानी है, बंगाली भद्र लोग उसे पहचानता है। देखिए अभी बोले हमारे मित्र कांग्रेस के अखिलेश जी, और इनका विधायक खुलेआम कह रहा है कि सर काट देंगे, वो सही है, और प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिमों पे पहला हक होना चाहिए संसाधनों का, कहते हैं हिंदू मुसलमान हम करते, गजब है भैया, मुसलमान को आरक्षण की बात आप करते, अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान को आरक्षण देंगे कर्नाटक में, मुस्लिम को आरक्षण देंगे आंध्र में, मुस्लिम को आरक्षण देंगे उत्तर प्रदेश में, ये सब चुनावी वादे हैं, और कोर्ट से मात खाने के बाद